नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सर्चिंग के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ सर्चिंग, सर्चिंग क्या होती है और इसके टाइप कितने होते हैं हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। तो दोस्तों, जिस प्रकार किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप इंपॉर्टेंट होता है, उसी प्रकार डेटा स्ट्रक्चर में भी सर्चिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं हम सर्चिंग की। तो सर्चिंग एक मेथड होता है। लिखा है कि सर्चिंग इज़ अ गुड मेथड टू फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सर्चिंग एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसका यूज़ हम डेटा स्ट्रक्चर से एलिमेंट को फाइंड करने के लिए करते हैं विद देयर अप्रोप्रिएट लोकेशन। तो ये एक सिंपल टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें हम एलिमेंट को फाइंड करने के लिए करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो एलिमेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन में प्रेजेंट है। जिस भी लोकेशन में वो एलिमेंट रहेगा वो हमें सर्च करके देगा। अगर एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमें सर्च करके नहीं देगा, तो नॉट फाउंड आ जाएगा। तो अब देख लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर मतलब सॉरी सर्चिंग के टाइप के बारे में। तो बेसिकली सर्चिंग हमारे दो टाइप के होते हैं, एक हमारा होता है लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। ठीक है, तो सर्चिंग हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछ लिया था कि सर्चिंग बताइए सर्चिंग कितने टाइप के होते हैं। तो सर्चिंग हमारे दो टाइप के होते हैं, लीनियर और बाइनरी। सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग हमारा एक मेथड होता है, एक तरीका होता है जिसका यूज़ करके हम डेटा स्ट्रक्चर में से एलिमेंट को फाइंड करते हैं। ठीक है, और यही हमारा सर्चिंग का टॉपिक, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, आगे और भी वीडियो डेटा स्ट्रक्चर की आती रहेंगी। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों वर्जन में नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय।